वाह रे वाह, इस्लाम के ठेकेदारों, कौन सा इस्लाम पढ़ के आए हो तुम लोग? जिस धर्म में, जिस मजहब में सबब है पानी पिलाना, उस धर्म के हिसाब से सबसे ज्यादा बदनाम करने वाले तुम लोग, जो आतंकवाद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर तुम मासूम बच्चों को, तुम बूढ़ों को किडनैप कर रहे हो, गोलियां मार रहे हो, यह है तुम्हारा और बहुत तुम्हें खेलना है ना, जो चल रहा है अभी, बहुत पुलिस के साथ किडनैपिंग चल रही है। ध्यान रखना, अपना सोच करना, फौज बहुत छोड़ती आई है और देर आर प्रॉब्लम्स। बढ़िया कौन सी बात है, अभी भी कितनी बार समझाएंगे कि पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली मत बनो, वहां के कुछ बड़ुए गद्दार बैठे हुए हैं जो तुम्हें बहकाते हैं। और आज आतंकवाद की जो बात करें कश्मीर में, अरे पाकिस्तान के तो आतंकवादी ही नहीं रह गए, तुम लोगों को मरवा रहे हैं, तुम्हारे लोकल्स को पकड़ के तुम्हें मरवाते हैं। बदनाम करना, इस्लाम को बंद करो। सबसे बड़ी बात यह, तुम 15% सेपरेटिस्ट और यह टेररिस्ट की जो गैंग है, तुम लोग बैठ के डिसाइड करोगे कि क्या होना चाहिए जम्मू कश्मीर का फ्यूचर। तुम 15% में 8% को तो तुम पढ़ने नहीं देते हो यार। प्रॉब्लम यह है तुम लोगों की, सबसे बड़ी चीज है, हर बार से चिल्लाते आए हैं कि फौज इन परिस्थितियों में, सोचो वहां पर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही है किसके लिए, तुम्हारे लिए, हजार बार कह चुका हूं। और एक और सबसे बड़ी बात है, आपको अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हो यार, आप कैसे इन्फ्लुएंस होने दे रहे हो? और अभी जो घटना हुई है कि हाँ अच्छा, मतलब एक आतंकवादी को सिर्फ उनके माँ बाप को इंटेरोगेट करने के लिए अगर बुलाया गया, तो तुमने उसके पूरे पुलिस के परिवार को, उन पुलिस वालों की फैमिलीज को उठा रहे हो। अबे तुम्हारे पास हथियार तो है नहीं, तुम उस भूखे नंगे देश की तरफ से लड़ने आए हो जिनके पास रोटी नहीं है, जिनके खुद के पाकिस्तान के हालात देखो, तुम्हें पाकिस्तान के साथ जाना है और ये डिसाइड करे कौन करेगा? तुम ठेकेदार बने हो, एक काम करो, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते भे, जीतते क्यों नहीं है सेपरेटिस्ट? इन परिस्थितियों में जब वहां पर ना अपने इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हमारे पर्सनल जाते हैं, जब हमारे फौजी भाई वहां पर जाते हैं लड़ने के लिए, परिस्थितियां इतनी खराब होती है, व्हाट आर आर्मी डूइंग देयर? There is a lot of people have asked this question. Why do we require the army? अबे कौन डिसाइड करेगा ये? The Honorable Supreme Court के लिए, इसीलिए 350 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर्स, JCOs और अदर जो हमारे सिपाही हैं, उन सब ने एक पिटिशन दायर की एक सिविल एडवोकेट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट गए हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि यार उनके रूल ऑफ एंगेजमेंट कौन क्लियर करके देगा? Rule of engagements cannot be cleared by the politicians. They have never seen the war. They have never seen the operation areas and the disturbed areas. उनको डिसाइड करने के लिए इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब वहां पर डिप्लॉयमेंट होता है आर्म्ड फोर्सेस का, जब वो कोई ऑपरेशन करते हैं, आपको पता है उनको फंसा दिया जाता है, उन्हें यही कॉन्फिडेंस नहीं यार, कम से कम गाइडलाइंस तो क्लियर करके दीजिए कि वो मरे कि मारे। दूसरी चीज, जब फौजी को सिविल एरियाज में फंसाया जाता है, तो वहां पर सिविल अथॉरिटीज में उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या जो वहां पर कोर्ट से, वहां पर उनका केस चलता है। एक बात क्यों नहीं समझते हो, सबसे बड़ी चीज है, आर्मी इज द लास्ट रिसोर्स। फौज को आखिरी में क्यों बुलाया जाता है? इसलिए बुलाया जाता है फौज को आखिरी में, क्योंकि और कोई रिसोर्स अब बचा नहीं है। फौज यार सीधी सी बात है, फौज है ना कोई सामाजिक संस्था नहीं खोल के बैठी है, फौज है ना कोई समिति नहीं चला रही है, चंदा नहीं मांग रही है। फौज वहां पर एक्चुअल वहां के जो अनुशासन है उसको मेंटेन करने के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, संपत्ति की सुरक्षा के लिए वहां पर है, लेकिन उन पर ही सवाल हो जाता है, उनको फंसा दिया जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अगर आप सिविल में केस चलाएंगे, वहां पर गवाही देने कौन आने वाला है, एविडेंस पेश कौन करता है? जो वहां के कुछ ऐसे सिविलियंस हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि मजबूरी है उनको, उनको कश्मीर में रहना है, वो दबाव में आ जाते हैं, तो कहां से जस्टिस होगा? आपको मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करते आया हूं, आज भी कह रहा हूं, द अथॉरिटीज हैव टू बी गिवन टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आर्मी एक्ट खुद इतना स्ट्रांग है, आर्मी के खुद के इतने कानून इतने स्ट्रांग है, जहां पर सिविल में 10 रुपए में छोड़ दिया जाता ना, 10-20 रुपए का फाइन करके, वहां फौज में 7 साल की सजा हो जाती है फौज के आर्मी एक्ट के अंतर्गत। तो उनको वहीं पर प्रोसिक्यूशन करने दीजिए, वहीं पर प्रोसिक्यूट कीजिए उनको। प्रॉब्लम यह, जैसे ही सिविल में आएंगे, मैं कहता हूं, हमेशा से कहता हूं, जितने भी केसेस सिविल में चलेंगे फौज के अगेंस्ट में, उनको इन्फ्लुएंस, ये गद्दार, ये मक्कार, ये आतंकवादी, उनको धमका धमका के बेचारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं। Why 350 armed forces officers, army officers have gone to the Supreme Court? 350 से ज्यादा अधिकारी और सिपाही, JCO साहिबान, क्यों गए हैं सुप्रीम कोर्ट अपनी एप्लीकेशन लेके? उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि आप कृपया करके जो फौजी हमारे जो ऑप्स एरियाज में, जो डिस्टर्ब एरियाज में है, लड़ रहे हैं, वहां पर उनके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर करके दीजिए। अगर नहीं हो सकते, कम से कम इतना कर दीजिए, उन लोगों को इसकी परमिशन होना चाहिए जो वहां के कमांडिंग ऑफिसर है, जो वहां के GOC है, जो वहां का ब्रिगेड कमांडर है, जो वहां पर फॉर्मेशन हेड है, उनको यह परमिशन होना चाहिए कि कम से कम वो उस समय डिसीजन ले सकें, उस समय उस डिस्टर्ब एरियाज में डिसीजन ले सकें। उस समय हमारे पास इतना वक्त नहीं है, दैट वी शैल बी वेटिंग फॉर द परमिशंस टू कम फ्रॉम दिल्ली और फ्रॉम एनी हायर कमांड। उस समय बहुत कम समय होता है, उन पर भरोसा कीजिए, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू टेक अ कॉल ऑन दैट। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं,
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कि जो 350 लोग इंडियन आर्मी के जो सर्विंग व्यक्ति हैं, अगर वो आपके पास आए हैं तो उनने कोई विद्रोह नहीं किया है, वो सिर्फ इतना समझना चाहते हैं कि साहब आप कम से कम इतना तो कंफर्म करें कि हम मारे कि मरे, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मोर मैन। साहब वैसे भी बड़ी बुरे हालात हैं, देखिए लोगों को बड़ा पैसा मिलता है, बाहर जाके नौकरी करने लगते हैं, फौज में वैसे ही जाने वालों की कमी है, स्पेशली दी ऑफिसर्स की कमी है, मोरल डाउन करने की प्लानिंग होती है इन कश्मीर में बैठे हुए उन गद्दारों की। मैं उन सेपरेटिस्ट की बात कर रहा हूं जो हमेशा टुकड़े टुकड़े की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान को कभी भी अपना मुल्क नहीं मानते। शर्म करो, तुम्हारे लिए फौज वहां पर लड़ रही है, तुम्हारे पीछे वो बेचारे उन फौजियों पर केस होते हैं, बेवकूफों अब तो समझ जाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, कुछ करवाओ। इतने दिनों से यार वो चैनल पे बैठ बैठ के सब डिस्कस कर लेंगे, अपन एक काम करते हैं, हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं, बिकॉज बनी बात है प्रॉब्लम तो सबको पता है कि कश्मीर का बहुत बड़ा इशू है, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन रूल नंबर वन, जो वहां के पेरेंट्स हैं, पहली बात तो अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। यस, एक बात सही है कि पिछले तीन सालों में जो है कि आतंकवाद की तरफ बढ़ने वाले जो बच्चे थे उसमें कमी आई है थोड़ा सा। दूसरी एक सीधी सी बात है, अपना रूल नंबर एक में ध्यान रखें, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर, किसी के कहने पर उनको आतंकवाद की तरफ जो झुकाव उनका हो रहा है उससे थोड़ा सा बचाइए, अपने बच्चों पर वॉच रखिए, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन कराइए। अगर आपको कश्मीर के लिए कुछ अच्छा करना है तो अपने औलादों को पढ़ाइए, अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने छोटे बच्चों को पढ़ाइए, उन्हें सिविल सर्विसेज ज्वाइन कराइए, उन्हें सिस्टम का हिस्सा बनाइए, जिस दिन वो आएंगे वो अपनी बात रख पाएंगे, और मैं चाहता हूं कि वो बात रखी जाए, कश्मीरियत की जो बात करते हैं वो रखी जाए, लेकिन वो ना रखें जिन्हें कश्मीर से कोई लेना देना नहीं, जो अपने भूखे नंगे देश उन आकाओं की तरफ ना जाए, पाकिस्तान की तरफ। ध्यान रखिए, उनके पास खुद के पास कुछ नहीं है, नंगा धोएगा क्या, नचोएगा क्या वाली बात है, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए और इतना समझदार बनाइए उन्हें इतना समझदार कि कम से कम अपना डिसीजन ले सकें अपने भविष्य के लिए। अब जो 350 लोग वहां पर गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, सीधी सी बात है, आई रिक्वेस्ट यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यही बात है कि आप कृपया करके रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर कर दीजिए, कश्मीर के लिए जो फौजी वहां पर लड़ रहे हैं उनका मोरल डाउन ना हो, कम से कम वो लड़े रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, उनका कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। साहब हमारे देश में बहुत बड़े बड़े तबके हैं जिनकी मैं बात नहीं करता हूं, लेकिन सही बात है, वो अगर लड़ रहे हैं तो इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनको सिर्फ अपने वतन से मोहब्बत और अपने वतन के लिए खड़े हुए, वरना मरने का शौक किसी को भी नहीं है। वो माँ भी कह सकती है कि मैं अपने बच्चे को जिसको मैंने भारत के दूसरे कोने में पैदा किया है कश्मीर की लड़ाई के लिए क्यों लड़ने दूं, लेकिन वो कश्मीर की लड़ाई के लिए नहीं, वो तिरंगा के लिए है, वो वहां पर हमारे शांति रहे इस देश में, इस देश के लोगों को यहां अमन चैन से जी सके, इसलिए वो वहां पर मर रहा है। वो सिपाही जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन दायर हुई है उन ऑफिसर्स की, मुझे लगता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज टू गिव अ गाइडलाइन, अदरवाइज वी कैन नॉट बी अफोर्डिंग लूजिंग मोर मैन बिकॉज ऑफ द वीक गाइडलाइंस। दूसरा, आप कम से कम उन लोगों को इसकी जिम्मेदारी दीजिए जो आप एरियाज में रहे हैं, जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं या जो एनालिस्ट हैं जिनने सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में जिनने रिसर्च किए, जिन्हें कश्मीर के असल हालात पता है, वहां पर अंदर क्या होता है और ऑप्स में, ऑपरेशंस और डिस्टर्ब एरियाज में कितनी जल्दी डिसीजन लेना पड़ता है अपने लोगों को बचाने के लिए। द मैन इन कमांड हैज टू बी सर्व्ड, हैज टू बी सेव्ड बिफोर दी ऑफिसर इन चार्ज है। तो ये थोड़े से कुछ चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा सोल्यूशन जो मैं हमेशा कहता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर वहां पर एक टेररिस्ट ऑपरेशन हुआ, वहां पर हमारे 10 फौजी मर गए और 2 या 3 टेररिस्ट मरे, तो क्या है इसके पीछे रीजन? बड़ा सिंपल सा यार दोस्त, प्रॉब्लम ये है कि हमारे इधर फौज जो है ना बड़ी एथिक्स वाली है, वो अपने लोग समझती है, वरना यार बड़ा सिंपल सा है, जो एक घर में 10 आतंकवादी घुसे हुए हैं और लोग जो है समझ में नहीं आता वो घर उड़ा देते हैं, लेकिन यहां पर क्या करते हैं, हमारे इधर पूरी टीम जाती है, अंदर जाती है, रूम इंटरवेंशन करके पूरी सर्च करके बच्चों को बचाती है, फैमिली को बचाती है, उसके बाद उनका सेकेंड मोटो होता है टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। बट मैं हमेशा कहता हूं कि यार इनके ऊपर जिम्मेदारी है, फौज अच्छी है। हाँ, और एक चीज और है, मोहम्मद उमेर सुन ले लौंडे, बड़ी धमकी दी ना तूने, उसके बाद मैंने एड्रेस पहुंचाया, क्या हुआ भाई, 12 दिन से घर का एड्रेस दे दिया, तो टाइमिंग बता दी, व्हाट्सएप तेरे को लाइव लोकेशन भेज रहा हूं, जो उखाड़ते बने भे मोहम्मद उमेर, तू पाकिस्तान में बैठा कहां बैठा है, बहुत बड़ा टेररिस्ट, बहुत बड़ा हैकर बनता है तू, तेरे को जो जब जहां जैसे उखाड़ते बने उखाड़ लेना, तेरे को लाइव लोकेशन भेजिए, घर का एड्रेस भेजा, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप किया, अभी भी जाऊं वो भी तेरे को बताऊंगा, जो करते बने भाई कर लेना, ध्यान रखना, लेकिन मेरी छोड़ो भाई, मैं तो एक सिविलियन हूं, मैं सिंपल सा आदमी हूं, लेकिन अब तुमने उनको छेड़ा जिनके पास वर्दी का अधिकार है, देखते हैं अब समझ में आता है, सुबह मांगो आजादी, 2 एप्लीकेशन, शाम तक तुमको देंगे आजादी। अगर भारत के संविधान का सम्मान करता था हूं और रहूंगा, और उसी संविधान ने बांध के रखा है हमारी हिंदुस्तानी फौज को, कम से कम उस संविधान के हिसाब से जो सही है वो सही है, जो गलत है तो गलत है। इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, देश को साफ रखिए, सबसे पहले गंदगी बाद में भी साफ हो जाएगी, सबसे पहले इस वतन को गद्दारों से साफ रखिए, जय हिंद।